welcome to simply lux with life हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बेडरूम पे मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो एक्चुअली हम लोग कुछ बेडरूम में काम करवाना था तो वही सोच रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें मतलब इसका शुरुआत कैसे करें तो सबसे पहले खुद ही जो काम है वो कर रहे हैं सो पहला चेंजेस तो ये है जो बेड का डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं मतलब बेड का डायरेक्शन पहले वेस्ट में था अभी हम लोग इसको साउथ में कर रहे हैं आ, ये एक्चुअली कुछ कारण के वजह से नहीं जस्ट फॉर चेंज एक चेंज लाना है रूम पे सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने बेड को हटाया ना पीछे का जो बॉल है वो अभी भी ब्लू कलर का है क्योंकि मेरा जो फ़र्स्ट बेडरूम मेकओवर है उसमें मैंने वॉल को ब्लू कलर में पेंट किया था एंड वॉल पेंटिंग किया था सो बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गया है अगर आपने मेरा फर्स्ट बेडरूम मेकओवर नहीं देखा है तो डेफ़िनेटली चेक कर लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से मैंने बेडरूम का मेकओवर किया था सब uh, so वही कुछ याद आ गया है एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था ना मैं बेड को हटा नहीं पाई थी तो इसी चक्कर में ना वो जो पोर्शन है वो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था और अभी जब भी मैंने बेड को थोड़ा सा खींचा तो वो वॉल एकदम ब्लू लग रहा है अभी उसको बाद में मैं पेंट करूँगी लेकिन सबसे पहले जो चीज़ करना है बेड को खाली करना है क्योंकि मेरा जो बेड का स्टोरेज है वो एकदम से फुल है और एकदम मतलब उल्टा पुलटा हो गया है क्योंकि घर जाने से पहले ना यहाँ से मैंने खूब सामान निकाला था क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मेरे कपड़े ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ वो सब मैं इसके अंदर रखती हूँ तो ये जगह मैंने खाली किया है उसके बाद आप देख सकते हो ये बेड ना इतना ज़्यादा भारी नहीं है एक्चुअली स्टोरेज की वजह से बहुत ज़्यादा भारी था और इसका जो लेंथ है वो इतना था कि हम लोग इसको बिना उठाए मतलब तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते थे तो इसलिए हम लोगों को इसको एकदम से उठाना पड़ा एंड देन नीचे का जो पोर्शन है वो भी मुझे क्लीन करने का चांस मिल गया है तो मैं डेफिनेटली नीचे का पोर्शन जो है क्लीन कर रही हूँ और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब भारी नहीं था तो अच्छे से हम लोगों ने इसको मूव कर लिया है अभी नीचे का जो स्टोरेज है उसको हम लोग एक एक करके लगाएंगे और ये वाला जो बेड है ना ये इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास तो ये मैंने होम सेंटर से लिया था उस टाइम मुझे याद है कि कुछ ऑफर चल रहा था तो ये वाला बेड जो है हम लोगों को 18,000 में मिला था एंड काफ़ी सस्ता है अगर अभी आप देखने जाएंगे ना तो आपको उस रेंज में बेड मिलने ना थोड़ा सा मुश्किल है और बेड के ऊपर का जो गद्दा है ना उसका नाम तो मुझे याद नहीं है वो भी हमने होम सेंटर से लिया था लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि गद्दा का प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है मतलब बेड से ज़्यादा जो गद्दा है उसका प्राइस है और मुझे अभी भी याद है ये वाला जो मैट्रेस है ये हमने थर्टी थाउजेंड में लिया था इसका लेयर बहुत ज़्यादा है मतलब अगर आप नीचे भी इसको बिछाओ ना तो आराम से एक हाइट आपको मिल जाएगी और ये हमारा बहुत ही फेवरेट है अतू पूरा गया है पूरा मेहनत अजन नहीं किया है नहीं ऐसा नहीं है अकेला था। मेरा सपोर्ट फाइनली था। था। एक काम तो ख़त्म हुआ है अभी बाकी है दूसरा काम वो है स्टोरेज को अरेंज करना और ये मैं काफ़ी दिनों से करना चाहती थी बट सोचा था कि जब ये काम करूंगी तभी तो मुझे पूरा हटाना है तो उसी टाइम पे इसको फिर से अरेंज कर लूंगी बेड के नीचे का जो स्टोरेज है ना यहाँ पे मैं अपनी ज़्यादातर जो साड़ी होते हैं थोड़ा सा एथनिक वेयर होता है वो सब रखती हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस में फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ वो सब मैं ये वाला जो स्टोरेज है इसके रखती हूँ और काफ़ी दिनों से क्या हुआ था ना सारा फेस्टिवल हो गया था तो एक, -एक करके सारे फेस्टिवल में मैंने एक एक कपड़ा निकाला था तो पूरा जगह जो है ना इधर उधर फैल गया था तो काफ़ी सारा सामान मेरा बाहर था कृति का जो छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं ना वो सब भी मैं एक ऐसे ही पाउच के अंदर डाल के रख देती हूँ तो वो सब भी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था तो फाइनली मैं सोच ही रही थी कि अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज के साथ साथ ही मैं ये काम करूँगी तो वही मैं थोड़ा बहुत इसको अरेंज कर रही हूँ और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं ना तो जब आपको कुछ आ, मतलब लेना होता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है मतलब बहुत परेशानी हो जाती है अगर आप चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके ना रखो तो तो फाइनली ये जगह मेरा ऑलमोस्ट अरेंज हो गया है और अभी समर का टाइम है तो जो क्विड वगैरह है वो सब भी मैं इसके अंदर डाल के और नीचे स्टोर कर दूंगी और जब समर का टाइम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं निकालूंगी सो तो कुछ मच्छरदानी जो रनर वगैरह है वो सारा कुछ मैं इस बेड के नीचे रखती हूँ जो एक्स्ट्रा कुशन है मेरा वो सब भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ तो सारा अरेंजमेंट मेरा हो गया है अभी आप देख सकते हो अच्छे से अरेंज हो गया है और यहाँ पे ना अभी भी जगह है पहले तो पूरा भर गया था बट अच्छे से अरेंज करके रखो तो जगह बहुत ज़्यादा निकल जाता है इस एरिया में सो so, फाइनली इस जगह का मेरा ऑर्गेनाइजेशन डन और एक एक करके जो सब आ, मतलब आ, एक्स्ट्रा सामान है जिसको मैं चेंज करने के लिए सोच रही हूँ वो सब निकालूंगी सो so, यहाँ पर जो एक आप कैनवास बोर्ड देख रहे हो ना इसको हम लोगों ने कमांड टेप की मदद से लगाया था और कमांड टेप की अच्छी बात यह है ना कि जब आप इसको निकालते हो तो आपका वॉल जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होता है नॉर्मली क्या होता है ना अगर आप ऐसे निकालने जाओ तो कलर आ जाता है पुट्टी निकल जाता है बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आप देख सकते हो मेरा वॉल पहले जैसा था ठीक वैसा ही है सो so यहाँ पे जो पोर्शन मेरा छूट गया था उस जगह को मैं पेंट करूँगी और क्या होता है ना कि अगर आप डार्क कलर के ऊपर वाइट कलर करो तो आपको दो से तीन कोड लगाना ही पड़ता है तो फाइनली एक कोड करने के बाद मैं छोड़ दूँगी जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर से मैं आ, दूसरा कोड अप्लाई करूँगी एंड नेक्स्ट डे मैं और एक कोड अप्लाई करूँगी तो एक कोट तो मेरा यहाँ पे डन हो गया है अभी इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से करूँगी तो ये वाला जो वॉल है ना ये एक्चुअली वॉशरूम के साइड वाला वॉल है और आप देख सकते हो कैसे खराब हो गया है तो ये छोटा मोटा जो रिपेयरिंग है ना ये हम लोग खुद ही कर लेते हैं तो इस जगह का जो पेंट है वो मैं ऐसे निकाल लूँगी उसके बाद इसको पेंट करूँगी एक्चुअली उस टाइम बाथरूम में कुछ लीकेज हो रहा था तो इसके कारण ना ये वॉल थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो हम लोगों ने ऐसे छोड़ के रख दिया वेट कर रहे थे कि कब कृतिका एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद हम लोग ये काम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली ये ज़्यादा खराब नहीं हुआ है बस ऊपर का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा खराब हो गया है जब इसको निकाल के मैं पेंट कर दूंगी तो ये हो जाएगा और ये जो पोर्शन है ना ये आपने देखा ही था कि ये हम लोगों ने कट किया था तो ये भी पेंट करना बाकी था तो इस जगह का भी मैं पेंट करूँगी एंड पेंट करने के बाद ना ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले कुछ इस टाइप का था ए सो फाइनली इस रूम का जो पेंटिंग का काम है वो ख़त्म हुआ है सो so, अभी भी बहुत बा, काम बाकी है मतलब छोटा मोटा काम मैं सोच रही थी कि उसको करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बट uh, हम लोग ये वाला जो uh, वाशरूम का जो डोर है ना ये चेंज करने वाले हैं क्योंकि नीचे का पोर्शन थोड़ा सा खराब हो गया है तो उसी को चेंज करेंगे और एक्चुअली हम लोगों की बात हो गई थी एक जगह पे कि उन लोगों ने बोला था कि ऐसे ऐसे प्राइस में हम लोग ला मतलब ला के फिक्स कर देंगे बट सडनली उन लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया है कुछ और ही प्राइस बोल रहे हैं अभी तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं अभी नहीं करेंगे थोड़ा सा और हम लोगों को ढूंढना है थोड़ा और रिसर्च करना है देखते हैं उसके बाद ही करेंगे तो इसके लिए मेरा ये जो काम है थोड़ा रुक गया है ओके okay, सो so वो सब तो होता ही रहेगा तो जो बड़ा चेंज हमने किया है रूम का वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कैसा लग रहा है एक्चुअली uh, हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों से बेड जो हमारा हमारा ही है तो थोड़ा सा चेंज करते हैं uh, तो इसी किया है और बेड को ना इस साइड में करने के बाद एक अलग ही लुक आ रहा है रूम का और ये वाला जो एरिया uh, है ना ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है So, जो भी हो फाइनल जो डेकोरेशन है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड बी सेफ